एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का टॉपिक उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बीज खाद भंडार होता है, जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का बिजनेस होता है, उसमें जाना चाहते हैं। तो ऑनेस्टली किसी ने मुझसे पूछा था कि इसका लाइसेंस कैसे मिल सकता है, तो बस मैं ये वीडियो लेकर आ गई। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी नॉर्मल बिजनेस हमें करना हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए उसके लिए? लैंड, जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जहाँ बात आती है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वाली शॉप की, तो वहाँ पे शॉप से भी पहले आपको चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहले क्या होता था, पहले जो बीज और खाद भंडार के जो भी हैं हमारे, जिनको हम इनपुट डीलर्स बोलते हैं, उनको हम इनपुट डीलर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हम इनपुट लगाते हैं, जो भी चीज़ें हमारी लगती हैं क्रॉप लगाने में, जो जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इनफैक्ट लेबर, मशीनरी, ये सब इनपुट्स हैं। और आउटपुट क्या है? जो हमारी पैदावार है, पैदावार को बोलते हैं यील्ड। जो यील्ड हमारी आ रही है दैट इज़ द आउटपुट, ठीक है। तो जो इनपुट होल्डर्स हैं, मतलब जो बीज और खाद भंडार वाले लोग हैं, तो जहाँ बात करते हैं, अगर आप इनपुट डीलर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए? तो उसके लिए आप मिनिमम डिग्री चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर की, या तो फिर बीएससी केमिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, बेसिकली वो क्या हैं? वो हैं केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी ये आ ही जाता है केमिकल कंपाउंड्स का। सो आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई एक डिग्री होनी चाहिए। वही बात आती है एक डिप्लोमा की। एक डिप्लोमा है जो बहुत फेमस है और लोग सोचते हैं उसको करके वो जो हमारा बिजनेस है, ये वाला जो खाद और बीज भंडार है, उसको खोल सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर है, और वो जो डिप्लोमा है उसका नाम है देसी, DAESI, विच इज़ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स। जो ऑलरेडी इनपुट डीलर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इनपुट डीलर्स हैं, के लिए वो है। पहले क्या होता था, बहुत पहले ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, बट एज सून एज गवर्नमेंट रियलाइज कि इनपुट होल्डर्स का नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर एक आर्ट और एक साइंस का मिक्सचर है। फार्मर्स हैं, उनके पास कला जो आर्ट है वो बहुत ही अच्छी है, तो उसके साथ साथ अगर साइंस भी उनको जो नॉलेज है थोड़ा बहुत वो पता चल जाए, तो वो अपने यील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और जो इंडिया का एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतनी ही जो फार्मर्स की काउंट है, फार्मर्स का काउंट है, वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है। हमारे जो इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो एक एक के पास पहुंचना इट्स नॉट पॉसिबल। तो फार्मर्स किसके पास जाते हैं? सबसे पहले इनपुट डीलर्स के पास जाते हैं, जो उनकी लोकली, जो उनके पास में शॉप होगी उनके पास जाएंगे कि हमें बेस्ट बीज दे दो, या तो हमें हमारे इसमें ये बीमारी लग गई है उसकी दवाई दे दो। तो फार्मर्स को बहुत सारा नॉलेज है, उनको खुद पता होता है कि ये बीमारी लगेगी तो कौन सी हमें क्या डालनी है, बट किस क्वांटिटी में डालनी है, कैसे डालनी है, क्या मेथड है, और क्या वो बीमारी वही है जो वो सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार जो है कन्फ्यूजिंग सिम्टम्स होते हैं जो थोड़े सेम लगते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 2003 में एक डिप्लोमा स्टार्ट किया, उसके ज़रिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे इनपुट डीलर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। वो क्या करते हैं, उनको एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो जो 1 ईयर का कोर्स है, और उसमें जो है फील्ड टूर्स भी रहते हैं, हमारे क्लास लेक्चर्स भी रहते हैं। वो वीक में एक बार होती है क्लासेस उसकी, ठीक है, और छुट्टी वाले दिन होती है, संडे वाले दिन होती है, ताकि जो हमारे शॉपकीपर हैं उनका जो बिजनेस है उस पर भी कोई फर्क ना पड़े और उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज भी मिल जाए। तो ये डिप्लोमा आप कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्म मिलता है, या तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में मिलेगा, या तो जो आत्मा प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर होंगे उनके पास से आप ये फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोर्स है ये 20,000 का होता है, जिसमें से 50% सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट, और फिर वो आपको 10,000 का पड़ता है। फील्ड टूर्स होते हैं हमारे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होती है, मिड टर्म होता है, हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, और एंड टर्म एग्जामिनेशन में वही बैठ सकता है जिसके 64 क्लासेस अटेंड होंगी, एंड प्लस उसके 8 में से 6 फील्ड टूर्स जो है उसने अटेंड किए होंगे।
और जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें आपको 40% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं अगर आपको पास होना है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद आप अपना जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो अपना जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जो इनपुट डीलर है वो 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप 20 शॉप खोल सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं आप नहीं हैं, और अगर आप ऑलरेडी इनपुट डीलर हैं तो आप कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं, देसी के बारे में मैंने आपको बताया। सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कोई भी क्रॉप रिलेटेड इंक्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है प्लांट से रिलेटेड, कोई एग्जाम के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वो जल्दी मुझ तक पहुँचेगी। मेरे इंस्टाग्राम में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल। जैसे अभी ये वाला टॉपिक था, ये भी मुझे किसी ने पूछा था, मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत पूछा उसके बाद, क्योंकि यूट्यूब पे कई गलत वीडियोस भी बताई जाती हैं कि डिप्लोमा कर लो आप खोल सकते हो ये वो सो, तो मैंने बहुत कंफर्म की चीज़ें और मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा पा रही हूँ। इसके अलावा कोई भी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आप तक वो पहुँचाऊँ। और साथ ही साथ इसको शेयर करो कि जिसको भी इसके बारे में पता ना हो उसको भी पता चले, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लाती रहूँगी। एंड फॉर स्टूडेंट्स आई एम वर्किंग ऑन माई लेक्चर, जल्दी ही मैं लेक्चर वीडियोज़ भी स्टार्ट कर दूँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।